बहुजन समाज पार्टी का एक दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर हुआ संपन्न। आज बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई गढ़वा के तत्वाधान में उत्सव गार्डन गढ़वा में एक दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय कुमार गौतम ने की। कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए झारखंड प्रदेश बसपा के प्रभारी पूर्व मंत्री एवं सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बहुजन समाज पार्टी के नीति सिद्धांतों एवं कार्यक्रमों के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संपूर्ण विकास की कुंजी राजनीति सत्ता में है और जब तक इस देश की राजनीति सत्ता बहुजन समाज के लोगों के हाथों में नहीं आएगी, बहुजन समाज के लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे और बहुजन समाज पार्टी इस देश के बहुजन समाज के लोगों को हुक्मरान बनाना चाहती है। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं को विधानसभा स्तर पर संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया। इसके अलावा कार्यक्रम को झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार, झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष और विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राजन मेहता, हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी शेर अली, प्रदेश सचिव कृष्णा दुबे, प्रदेश महासचिव पुनीत अंबेडकर, जॉन कोऑर्डिनेटर सुनील कुमार, गौतम गढ़वा के पूर्व गढ़वा विधानसभा प्रत्याशी वीरेंद्र साह, अजय कुमार भारती, रामचंद्र राम, वीरेंद्र चंद्रवंशी, भोनापुर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी मनीष कुमार सिंह आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ज्ञानी राम, छोटेलाल, रवि मुनेश्वर सिंह, नंदा पासवान, चंद्रिका सिंह, मथुरा सिंह, कुंदन चंद्रवंशी, मुंशी पासवान, ललित राम उपाध्याय चौधरी, राजेश कुमार रवि, रामलाल राम, गौतम कुमार, जोगेंद्र राम, लल्लू राम, गुलाब राम सहित काफी संख्या में जिला के सभी प्रखंडों से सैकड़ों की संख्या में सक्रिय कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।